बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला, साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चुनौती भी दी। अभी तो कहते थे मोदी जी की चाय वाले ही प्रधानमंत्री बने हैं। अरे मोदी जी का चाय फीका रहता है, अब मोदी जी जो है फर्जी चाय बनाने वाला है, आज तक अभी चाय भेजबे नहीं की, ऐसा मार्केटिंग किए कि दुनिया समझ रही कि चाय बेचते थे। आप लोग कहता है चाय वाले हैं, चाय वाले प्रधानमंत्री बने हैं, तो मार्केटिंग अपना किए। वैसे बेचारों को जो जनता है उनको क्या पता, अगर बेचे हैं तो कोई हमको भाजपा वाला ला के दिखा दे तो फोटो, स्टेशन के बाहर चाय बेचते थे, ये दुकान था, बचपन का फोटो मिलेगा, विदेश यात्रा करते हुए फोटो मिलेगा। और मोदी जी को चाय बनाना कहाँ आता है, वो चाय बनाना होगा तो चीनी डालने के बजाय मिर्चा डाल देंगे, तो देश को ऐसी चाय पिलाई है उन्होंने, बोले कुछ और किए कुछ, बोले कि 15-15 लाख रुपए खाता में आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों का आय दुगुना होगा, कर्ज माफी होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा, गंगा जी साफ होंगी, क्या क्या वादा नहीं किया, एक वादा पूरा नहीं किया। पहले तो हमको लगता था कि नरेंद्र मोदी जी पिताजी से डरते हैं, लालू जी से डरते हैं, अब तो पता चला अब हमसे भी डर लगने लग गया है। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे प्रधानमंत्री आएंगे तो 5 साल में क्या काम किया वो बताएंगे, रोजगार दिया कि नहीं दिया, किसानों का क्या किया, महंगाई कम की कि नहीं की, गरीबी खत्म किया कि नहीं किया, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया कि नहीं दिया, पटना यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया कि नहीं दिया, इस पे बात करेंगे। लेकिन आए तो उल्टा ही बोलने लगे, गाली गलौज पे आ गए, अपनी भाषा को गिरा दिया, प्रधानमंत्री की गरिमा को भूल गए और धमकी दे करके जा रहे हैं। अरे इनके धमकी से कौन डरता है, इनकी धमकी किधर भक्की वाली धमकी है, इनसे कोई डर नहीं लगता। और हमें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमारे पिता ईमानदार हैं, जो गलती करता है वो शरण में जाता है, वो डरता है, जिस हिसाब से पलटू चाचा ने सृजन घोटाला किया, डर गए और शरण में चले गए, हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक एनजीओ के दफ्तर पर तालिबान आतंकियों ने हमला बोला और वहां धमाका भी किया, जिसकी चपेट में आने से 9 लोग जख्मी हो गए, जिसके दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई। तालिबान का हमला शुरू होने के बाद लोग जान बचाने के लिए एनजीओ के दफ्तर की एक दीवार के बीच से भागते दिखे, जबकि कुछ लोग वहां की सीढ़ियों पर फंस गए। वहां हुए धमाके के बाद उठता धुआं दूर से ही नजर आ रहा था। आतंकियों के हमले में कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आतंकियों का हमला होते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेर लिया। इस दौरान उनकी आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई। कुछ ही देर में धमाके वाली जगह छावनी में बदल गई। सुरक्षा के लिहाज से बख्तरबंद गाड़ियों के साथ दमकल विभाग की गाड़ियां भी मंगवाई गईं। हथियारों से लैस जवानों ने आसपास का इलाका खाली करा दिया। बिहार की गोपालगंज सीट से एनडीए उम्मीदवार आलोक कुमार सुमन के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की जुबान फिसल गई। कि हमारा एक ही मिशन है कि अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की चुनावी रैली में पीएम ने विरोधियों की अमर्यादित भाषा पर उन्हें आड़े हाथ लिया। इस रैली में प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले और पीएम बनने के बाद विरोधियों के हमलों का जिक्र किया और इशारों में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। 2014 के चुनाव के दौरान पीएम ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के उन पर दिए विवादास्पद बयान का जिक्र भी किया। मोदी की बोटी बोटी करने का घोषणा करने वालों को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है। तानाशाह से पीएम की तुलना के मुद्दे को उन्होंने अपनी रैली में भुनाया। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं।
अपने परिवार पर हुए जबानी हमलों से पीएम गुस्से में भी दिखे। इन लोगों ने मेरी माँ को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है।